बीएसएफ सैकल रैली श्री प्रशांत कुमार असिस्टेंट कमांडर 92वीं बटालियन की अगवाई हेठ 18 सैकल सवार रैली बीएन हैडक्वार्टर करके पहुंचन से 92वीं बटालियन के कमांडर प्रदीप कुमार वालों निघा स्वागत किया गया। इस मौके उन्होंने नौजवानों बीएसएफ भर्ती लिए प्रेरित करने लिए लघु दस्तावेजी फिल्म की स्क्रीनिंग द्वारा प्रदर्शन किए गए। समागम दौरान भारतीय फौज का हिस्सा बनने लिए प्रेरित किया गया। इस मौके असिस्टेंट कमांडर प्रशांत कुमार ने दसा कि यह सैकल रैली जम्मू अखटोए तो 13 अक्टूबर को शुरू हुई थी अते यह 13 नवंबर बुज सैक्टर गुजरात विखे समाप्त होएगी। उन्होंने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य आजादी की 75वीं वरेगंढ मनाने लोगों को आपसी प्यार का संदेश मिलता है अते लोग बीएसएफ ज्वाइन कर। उन्होंने कहा कि यह सैकल रैली 32 दिन टोटल 2112 किलोमीटर दूरी तय करके 13 नवंबर 2022 को बुज सैक्टर गुजरात विखे समाप्त होएगी। देखो पूरी रिपोर्ट आल पंजाब न्यूज। सर मैं प्रशांत कुमार असिस्टेंट कमांडेंट 92 बटालियन। यह बीएसएफ साइकिल रैली का एज ए कैप्टन हूँ। यह रैली जम्मू आगटा से शुरू होकर भुज सेक्टर तक जाएगी। यह 13 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई है और 13 नवंबर 2022 तक रहेगी। इस साइकिल रैली का उद्देश्य नेशनल इंटीग्रिटी है। यह आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है ताकि लोगों को एकता और अखंडता का एक संदेश जो है लोगों के बीच में जाता रहे, और साथ ही यह एक फिट इंडिया के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है ताकि लोग जो है एक स्वस्थ भारत की जो कामना है हमारी उसको वो पूरा कर सके। साथ ही बीएसएफ में लोग अपनी बीएसएफ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और उसको ज्वाइन करें तथा अपनी सेवाएं दें ताकि जो है बीएसएफ पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते रहे। यह टोटल डिस्टेंस 2115 किलोमीटर का है जिसको हम 32 डेज में पूरा करेंगे। भारत जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत आज़ादी का 75वां आज़ादी का सालगिरह मना रहा है। इसी के उपलक्ष्य में बीएसएफ के द्वारा साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की गई है जो कि अपराई से लेके भुज तक जा रही है। 13 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक ये साइकिल रैली चलेगी। इसी दौरान ये साइकिल रैली हमारे इस शिकार कैंपस में आई है जिसका आज स्वागत किया गया है। ये साइकिल रैली भारत में एक इंटीग्रेशन ताकि सभी इकट्ठा रहें और आज़ादी को हम अच्छी तरह से मना सकें, इसकी यही एक संदेश देते हुए ये साइकिल रैली जा रही है जो कि ऑक्ट्राई से लेके भुज तक जा रही है। पंजाब का नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? पंजाब के लोगों के लिए यही संदेश दे जा रहा है कि ये हमारी आज़ादी है, बड़ी हमारे जो शहीदों ने बड़ा बलिदान दिया है और इस आज़ादी को हमें और आगे बढ़ाना है और लोगों में एकता का भावना पैदा करना है।